दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन क्रियोजोट के बारे में, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों क्रियोजोट का जो पेशेंट होता है उसको देख करके कैसे हम पहचानेंगे? क्रियोजोट का जो पेशेंट होता है दोस्तों दुबला पतला होता है, लंबा होता है फास्फोरस की तरह, और अपने उम्र से ज्यादा लंबा दिखाई देता है पेशेंट दोस्तों, जैसा कि फास्फोरस के साथ में भी होता है, ये सिम्टम फास्फोरस में भी पाया जाता है। अपनी उम्र से ज्यादा लंबा दिखाई देता है, पुअर नरिश्ड होता है, जो नरिशमेंट होता है शरीर को पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से जो कंडीशन हो जाती है वो होती है क्रियोजेट के पेशेंट के अंदर में। इसके अलावा दोस्तों जार कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है फेस का वो सांवला होता है, और ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट। दोस्तों क्रियोजोट का जो पेशेंट होता है खासतौर से अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चे दोस्तों ऐसे दिखते हैं जैसे कि वृद्ध हो गए हो, उनकी जो त्वचा होती है झुर्रीदार हो जाती है जैसे वृद्ध लोगों की होती है। बच्चे दुबले पतले होते हैं, लंबे हो जाते हैं, अपनी अवस्था से ज़्यादा अवस्था के दिखाई देने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन दोस्तों देखें कि बच्चों के अंदर जब रैपिड इमेशिएशन होना शुरू हो जाए, ऐसे कई सारे अपने केसेस देखे होंगे जहाँ पे बहुत तेजी से बच्चा दुबला पतला होना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो रैपिड इमेशिएशन के केस में बहुत अच्छा काम करती है क्रियोजोट। इसको हम इस सिम्टम पे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों आयोडम के साथ में। आयोडम में भी रैपिड इमेशिएशन होता है पूरे शरीर का दोस्तों। ऐसे बच्चे जिनकी त्वचा झुर्रीदार हो जैसे कि एब्रुटेनम के अंदर में होता है, दुबले पतले दिखाई दे, वृद्ध दिखाई दे अपनी अवस्था से ज़्यादा, ये एब्रुटेनम से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में ऐसे बच्चे को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो दो चीज़ से ज़्यादा फैक्टर होते हैं दोस्तों। एक तो स्क्रोफिलस डायथेसिस होती है उनकी, मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं से ग्लैंड्स उनकी अफेक्टेड होती हैं शरीर पर। दूसरा होता है दोस्तों कि वो सोरिक पेशेंट होते हैं। सोरिक मतलब कि सोरा, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं कच्छ विष या इंग्लिश में बोलते हैं सोरा, से कहीं ना कहीं से या स्किन के जो अफेक्शंस होते हैं उससे ये प्रभावित जरूर होते हैं दोस्तों। इसका कारण ये होता है कि क्रियोजोट जो कि फिनॉल का एक मिश्रण होता है दोस्तों, इसको वुड टार जिसको तारकोल बोलते हैं, तो वुड टार के डिस्लेशन से इसको तैयार किया जाता है दोस्तों। तो उसका जो काम होता है वो स्किन पे और जो ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसीलिए इसके जो भी अफेक्शंस होते हैं वो स्किन से रिलेटेड या फिर ग्लैंड से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं दोस्तों। क्रियोजोट का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो लेडीज़ के केस में स्पेशली होता है पोस्ट क्लाइमेट्रिक पीरियड में, मतलब जब मेंसेस समाप्त हो जाता है उसके बाद की जो कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उस समय के जो सिम्टम्स होते हैं उस पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसको हम इस सिम्टम पे कंपेयर कर सकते हैं लैकेसिस के साथ में दोस्तों। लैकेसिस में भी इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, या लैकेसिस भी एक बढ़िया दवा है पोस्ट क्लाइमेट्रिक पीरियड की, जब पीरियड समाप्त हो जाते हैं उसके बाद जो कंडीशंस होती है उसके लिए एक अच्छी दवा है दोस्तों। क्रियोजोट की जो डायथेसिस होती है वो हेमरेजिक डायथेसिस होती है। हेमरेजिक डायथेसिस का मतलब ये दोस्तों कि छोटा छोटा अगर घाव, थोड़ा भी अगर चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो फ्रीली ब्लड ऊज करने लगता है, ब्लड अपने आप निकलना शुरू कर जाता है, ये होता है हेमरेजिक डायथेसिस में दोस्तों, जिसमें ब्लीडिंग बड़ी आसानी से होने लगती है। इस सिम्टम पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों क्रोटन एच लैकेसिस और फास्फोरस के साथ में दोस्तों। इसके अलावा टाइफाइड के केस में, जबकि टाइफाइड की जब आंतरिक ज्वर होता है जिसको हम बोलते हैं, उस केस में ब्लड जब निकलने लगे, स्टूल के माध्यम से पास होने लगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगे, तो वैसी केस के लिए एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट दोस्तों। इसके साथ साथ में चूंकि ये हेमरेजिक डायथेसिस है, तो ये जो ब्लड ऊज करती है वो पैसिव तरीके से निकलती है, मतलब ये कि चोट लगने के बाद भी वो बंद नहीं होता है, उसमें से ब्लड ऊज करता रहता है, निकलता रहता है पैसिवली चोट लगने के बाद। एक तो होता है कि चोट लगने के बाद तुरंत जो ब्लड आता है, एक होता है कि उसके बाद भी वो आगे ब्लड ऊज करता रहता है दोस्तों। तो ये पैसिव तरीके से ब्लड ऊज करना इसके अंदर पाया जाता है, ये एक बड़ा खास सिम्टम है इसका। इसके साथ साथ में दोस्तों कभी भी ऐसी कंडीशन हो जबकि नाक से ब्लड आए, एपिस्टैक्सिस हो जाए जिसको नक्सीर फूटना बोलते हैं, या मुंह से ब्लड आ जाए, या पेशाब के माध्यम से ब्लड जाना शुरू हो, इन सारी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है क्रियोजोट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा होगा जिनका जब
टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, दांत निकाले जाते हैं, तो उसके बाद ब्लड ऊज करना शुरू कर जाता है, ब्लड बाहर आना शुरू करता है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है, अगर ब्लड का कलर डार्क हो, डार्क कलर का, गहरे रंग का या काले रंग का अगर ब्लड आए, और वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों हेमवेलिस के साथ में। दोस्तों कानों के अंदर कुछ पेशेंट को आपने देखा होगा कि रोरिंग, मतलब जैसे सिर दहाड़ता है इस तरह की आवाज़ आती है, कभी कभी भिनभिनाहट जैसी आवाज़ आती है, तो ऐसी कंडीशन की एक अच्छी दवा है सिम्टम के साथ साथ में मेंसेस के पहले या मेंसेस के दौरान में। अगर पेशेंट को बहरापन महसूस हो, मतलब कानों से सुनाई कम दे, तो वैसी कंडीशन के लिए दोस्तों बेहतरीन दवा है क्रियोजोट का एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि यह उस कंडीशन में ज़्यादा यूजफुल होता है जबकि पेशेंट की वाइटलिटी बहुत वीक होती है। दोस्तों जब पेशेंट की वाइटलिटी वीक होती है तो जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं वहाँ से क्रोसिव डिस्चार्ज होता है दोस्तों, बहुत तेज लगने वाला, फिटिड होता है, बदबूदार होता है, और इसके साथ साथ में इकोरस होता है दोस्तों, जलन पैदा करने वाला। तो इस टाइप के डिस्चार्ज क्रियोजोट की विशेषता होती है, ऐसे डिस्चार्ज जहाँ पे भी होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है क्रियोजोट। और ये होता है दोस्तों वाइटलिटी के डिप्रेस होने की वजह से, हमारी जो जीवनी शक्ति होती है वो जब काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है तब ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है, वहाँ के लिए एक अच्छी दवा है क्रियोजोट। और दोस्तों ये सिम्टम किसी भी बीमारी में हो सकता है, जैसे आप देखिए कहीं पर कैंसर की बीमारी हो या कोई और संघातक बीमारी हो, तो उन सारी बीमारियों के अंदर भी इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा यूज होता है क्रियोजोट का दोस्तों। दोस्तों क्रियोजोट का जो इचिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है दोस्तों, और ये शाम के वक्त में होती है। इचिंग के केस में बहुत अच्छा इसका जो सिम्टम पाया जाता है कि इतना तेज खुजली होती है कि पेशेंट को लगता है कि पागल कर देगी, इतनी तेज खुजली होती है दोस्तों, ये शाम के वक्त में बढ़ती है। तो वैसे कंडीशन के लिए बेहतरीन दवा है क्रियोजोट, जबकि शाम के वक्त में खुजली बढ़ती हो और पागल कर देने वाली हो। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, खुजली होती है लेकिन बिना इरप्शन के अगर हो दोस्तों, इरप्शन के साथ तो क्रियोजोट, लेकिन बिना इरप्शन के, इरप्शंस बॉडी में ना दिखे उस समय अगर खुजली हो, तो वहाँ पे हम देते हैं डॉलीकॉस दोस्तों। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उस दौरान एक सिम्टम बड़ा कॉमन पाया जाता है, आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत जैसे ही निकलते हैं वैसे ही वो खराब होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, एक तरफ दांत निकलते हैं दूसरी तरफ खराब होना शुरू कर जाते हैं। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट दोस्तों। इसके साथ जो सिम्टम इसमें पाए जाते हैं, आप देखेंगे कि जो मसूड़े होते हैं वो हल्के से नीले और लाल रंग के मसूड़े हो जाते हैं, स्पंजी होते हैं, सूजन आ जाती है उसके अंदर में, बदबूदार डिस्चार्ज होता है, ब्लड कभी कभी ऊज करने लगता है, अल्सर्स घाव बन जाते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों स्कॉर्बुटिक हो जाता है। तो दोस्तों इन सारे सिम्टम पे अगर आप क्रियोजोट देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। मसूड़े स्पंजी होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, रक्त स्राव उसमें होता रहता है, दांत दोस्तों काले और भुरभुरे होते हैं। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेफिसैग्रिया और एंटीम क्रूड के साथ में। दोस्तों क्रियोजोट वोमिटिंग की भी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों, लेकिन वोमिटिंग किस कंडीशन में हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वोमिटिंग अगर ऐसे पेशेंट को हो जिनको प्रेगनेंसी हो, तो उस केस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है क्रियोजोट। अब इसमें सिम्टम क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे वोमिटिंग के साथ में आपको सिम्टम मिलेगा दोस्तों कि मुंह के अंदर में मीठा सलाइवा बनेगा, जो सलाइवेशन एक तो ज़्यादा होगा और सलाइवा का जो टेस्ट होगा वो मीठा हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करती है। जब पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान में वोमिटिंग होती है, मुंह से पानी आता है मीठा मीठा, तो उस दौरान दोस्तों। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में जबकि दांत निकलने वाली कंडीशन हो बच्चों की, जब दांत निकलने की कंडीशन हो बच्चों की, उसके साथ में कॉलरा सिम्टम्स हो दोस्तों, मतलब ये कि कॉलरा की तरह लूज मोशन हो रहा हो और वोमिटिंग आ रही हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे वोमिटिंग लगातार होती रहती है, लगातार वोमिटिंग होती रहती है, आराम नहीं मिल पाता है, और उसके साथ साथ में एक सिम्टम और पाया जाता है कि जो स्टूल पास होता है दोस्तों उसके अंदर, जैसे स्ट्रो के अंदर जो स्मेल होती है, कैडेवरस जो ऑर्डर होता है, मतलब जो बदबू होती है स्ट्रो के अंदर में, वो वाली बदबू अगर स्टूल के अंदर हो और लगातार बार बार उल्टी हो रही हो दोस्तों, वहाँ पे भी क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में दोस्तों
आमाशय के या स्टमक के कोई ऐसी बीमारी जो कि मैलिग्नेंट टाइप की हो, मतलब जानलेवा टाइप की हो, उसके साथ में अगर वोमिटिंग हो रही है दोस्तों, तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा काम करती है क्रियोजोट। इसको 30 या 200 पोटेंसी में अगर रिपीट किया जाए सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। दोस्तों क्रियोजोट का एक और बेहतरीन सिम्टम है कि मेंसेस से पहले या मेंसेस के दौरान अगर सिर दर्द होने लगे दोस्तों, तो उस कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया के साथ में दोस्तों, सीपिया में भी ये सिम्टम पाया जाता है। क्रियोजोट एक बेहतरीन दवा है मेंसेस की भी, मासिक के समय में जो तकलीफें होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मासिक के दौरान इसका जो सिम्टम पाया जाता है दोस्तों कि जो महीना होता है या मासिक होता है वह समय से पहले हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है दोस्तों, कई दिन तक मासिक आता रहता है, तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट दोस्तों। इसके साथ साथ में इसके जो पेन्स होते हैं, जो मासिक के दौरान जो पेन होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब मासिक समाप्त होता है तो उसके बाद पेन और बढ़ जाना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मासिक के बाद दर्द कम हो जाता है, जबकि क्रियोजोट के केस में दोस्तों क्या होता है कि जब मासिक के बाद दर्द अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। क्रियोजोट का एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि जो पेशेंट को महीना होता है या मासिक होता है वह सिर्फ लेटने पर ही होता है। जब पेशेंट बैठ जाती है या पेशेंट चलने फिरने शुरू करती है, वॉकिंग करती है, तो MC आना बंद हो जाता है दोस्तों। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम है इस पेशेंट का। और इसके साथ साथ में दोस्तों जब भी कोई ठंडी पेय पदार्थ अगर पेशेंट लेती है तो उसके जो दर्द होते हैं उसमें कमी आती है पेशेंट को, मतलब ठंडक से पेशेंट को आराम मिलता है दर्द में दोस्तों। ये भी एक बड़ा खास सिम्टम है क्रियोजोट का दोस्तों। क्रियोजोट के पेशेंट के अंदर में खासतौर से MC में इसके जो सिम्टम पाए जाते हैं वो होता है दोस्तों कि जो स्राव होता है वह रुक रुक कर होता है, कभी पूर्णतया बंद हो जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों सल्फर के साथ में। दोस्तों क्रियोजोट का बहुत अच्छा असर होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर दोस्तों, जो ब्लैडर पे इस पे सिम्टम पाए जाते हैं कि पेशेंट केवल लेटे लेटे ही पेशाब कर सकता है। इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है क्रियोजोट। जो यूरिन होती है दोस्तों वह ज़्यादा मात्रा में होती है, पीले रंग की होती है, और मूत्र का वेग इतना तेज होता है दोस्तों कि पेशेंट को बिस्तर से उठते उठते बाथरूम होने की कंडीशन हो जाती है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को जैसे बाथरूम लगे अगर तुरंत नहीं गया तो बाथरूम हो जाती है उसको कपड़े में ही। तो दोस्तों ये सिम्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्रियोजोट के लिए दोस्तों, और ऐसी कंडीशन के लिए आप कई सारे ऐसे पेशेंट को देखेंगे जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं दोस्तों। इस सिम्टम पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों एपिसमेल और पेट्रोसिलिलियम के साथ में दोस्तों, उसमें भी ये सिम्टम पाए जाते हैं दोस्तों। बच्चों के अंदर एक बड़ा कॉमन सिम्टम आपने देखा होगा कि बच्चों को रात में बाथरूम हो जाती है, और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जिनको पहली नींद में ही अगर बाथरूम हो जाए दोस्तों, उसकी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है क्रियोजोट। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया के साथ में दोस्तों। सीपिया में भी ये सिम्टम पाया जाता है कि पहली नींद में ही बच्चे को बाथरूम हो जाती है और बच्चे को उस दौरान उठाना कठिन हो जाता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन के लिए क्रियोजोट बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों। यूरिन में एक सिम्टम इसका पाया जाता है कि चिलक मारता हुआ और जलन पैदा करने वाला दर्द होता है जब पेशेंट पेशाब कर रहा होता है उस दौरान, तो इस सिम्टम पे अच्छा काम करती है क्रियोजोट। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों सल्फर के साथ में। सल्फर में भी चिलक मारने में जैसा दर्द और जलन होती है पेशाब करने के दौरान। क्रियोजोट की ल्यूकोरिया में जो सिम्टम पाए जाते हैं वह पीले रंग की ल्यूकोरिया होती है, इसके साथ साथ में यह लगने वाली होती है, जलन पैदा करने वाली होती है और बहुत बदबू होती है इसके अंदर में, और ये खास तौर से दोस्तों दो पीरियड्स के बीच में होती है। ये इसकी बड़ी खास सिम्टम है कि दोनों जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस बीच में होती है, और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बोरेक्स और बोविस्टा के साथ में दोस्तों, उसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्रियोजोट की ल्यूकोरिया की कुछ बड़ी विशेष बातें हैं। क्रियोजोट की ल्यूकोरिया की एक बड़ी खास बात है दोस्तों कि यह हरे मक्के की जो गंध होती है उस तरीके की होती है दोस्तों, वैसी इसके अंदर स्मेल आती है। ल्यूकोरिया में दोस्तों आप देखेंगे कि पेशेंट को स्टार्च जैसा कड़ा हो जाता है सूखने के बाद में, वैसा ल्यूकोरिया इसका होता है, और साथ में ये पीले रंग का एक धब्बा छोड़ जाता है जिस कपड़े में भी लगता है दोस्तों। इन सिम्टम पे क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों लोकिया की भी एक अच्छी दवा है क्रियोजोट। लोकिया जिसको सुरुति का स्राव जिसको बोलते हैं,
मतलब आफ्टर लेबर के बाद जो गंदा पानी निकलता है, तो उस दौरान भी इसका अच्छा उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसी कंडीशन जो आपको सिम्टम पाए जाते हैं कि जो लोकिया होता है दोस्तों, उसका जो आपको कलर मिलेगा डार्क ब्राउन कलर का मिलेगा आपको, काले रंग का या ब्राउन कलर का भूरे रंग का मिलेगा आपको। इसके साथ साथ में लंपी होता है दोस्तों, लंप जैसा होता है, एक्रिड होता है, लगने वाला होता है, बदबू उसके अंदर बहुत रहती है, और ये कभी होता है, कभी स्टार्ट होता है, फिर अपने आप रुक जाता है, फिर से शुरू हो जाता है, तो इस तरीके का स्राव होता है दोस्तों। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है। इस सिम्टम पे दोस्तों हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कोनियम और सल्फर के साथ में दोस्तों, इन दोनों मेडिसिन में भी ये सिम्टम पाया जाता है। क्रियोजोट एक अच्छी दवा है दोस्तों वेजाइनल इचिंग की, इचिंग हो बाहर की तरफ यून के बाहर और अंदर, अगर बहुत ज़्यादा क्रोसिव इचिंग हो, जलन पैदा करने वाला, तो वैसी कंडीशन के लिए दोस्तों एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट दोस्तों। इसका एक और बड़ा खास सिम्टम इसका है कि ऐसे पेशेंट जिनकी अवस्था काफ़ी हो गई है, बूढ़े लोगों के अंदर जो सर्दी के दिनों में होने वाली खांसी होती है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत गहरी खांसी होती है और ऐसी खांसी होती है जो कि जो पेट तक वो खिंचाव पैदा कर देती है। इसके साथ साथ में दोस्तों अगर लंग की गैंग्रीन हो जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है क्रियोजोट। इसमें जो सिम्टम पाया जाता है दोस्तों कि बार बार जो खांसी आती है, खांसी के साथ में पीप की तरह जो बलगम आता है और उसके साथ में मुंह से ब्लड आने लगे खांसने के बाद, तो वैसी कंडीशन के लिए दोस्तों एक बेहतरीन दवा है क्रियोजोट दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिन पेशेंट के अंदर में कैंसर हो या कैंसर की तरह कोई मैलिग्नेंट और बीमारी हो, तो वैसी कंडीशन में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्रियोजोट के बाद जो दवाएँ अच्छा काम करती हैं उसमें दोस्तों आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। क्रियोजोट की जो प्रतिविष होती है दोस्तों, एंटीडोट होती है, वो होती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका देने से क्रियोजोट के जो सिम्टम्स होते हैं या इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। तो इसको एंटीडोट करने के लिए नक्स वोमिका दी जाती है, और इसका जो प्रति इसको इनिमिकल बोलते हैं दोस्तों, वो है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज का इस्तेमाल कभी भी इसके आगे या पीछे नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वृद्धावस्था में जो होने वाली तकलीफें होती हैं, जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन में आप देखें, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इकाइमोसिस, जिसमें आप जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी त्वचा पे आप देखिए तो नीले रंग के या लाल रंग के धब्बे जैसे पड़ने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है क्रियोजोट दोस्तों, ऐसे में बड़ा अच्छा काम करती है। क्रियोजोट की जो तकलीफें होती हैं वो बढ़ती हैं दोस्तों ठंडक से, ठंडे मौसम में ठंडक से, ठंडे पानी से नहाने से, और इसके अलावा लेटने पर इसकी तकलीफें बढ़ जाती है दोस्तों। ठंडी हवा में इसकी जाने पर तकलीफें बढ़ जाती हैं, खुली हवा में शरीर ठंडा रहे तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठंडक जहाँ पे भी रहेगी तो क्रियोजोट की तकलीफें दोस्तों बढ़ जाती हैं। ताप से और गर्म चीज़ों से, गर्माई से ज़्यादा राहत मिलती है, आराम मिलता है दोस्तों। क्रियोजोट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर 30 या 200 पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। 30 है तो सुबह दोपहर शाम, 200 है तो सुबह शाम, या हफ्ते में एक बार या अल्टरनेट करके, ये डिपेंड करता है दोस्तों कि किस रोग में हम इसको दे रहे हैं। वैसी कंडीशन के लिए इसको किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको लेना चाहिए, चूँकि एक डिजेनरेटिव चेंज करने वाली ये मेडिसिन है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज क्रियोजोट के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोग अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपसे इसको इससे फ़ायदा मिलेगा और भी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।